अब ऑलमोस्ट अपन 2500 की फैमिली होने वाले हैं। एक्चुअली जब 250 सब्सक्राइबर्स भी थे ना, तब भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। सो ये मेरी एक तरीके से एक्सटेंडेड फैमिली ही है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आई एम वेरी ग्लैड एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल सपोर्ट। मेरा जो मेन कॉन्टेंट है वीडियो का, वो सिंगिंग कॉन्टेंट ही है और सिंगिंग कॉन्टेंट ही आएगा, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना एक चिट चैट वीडियो बनाया जाए। और आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए मेरे से, तो इसी वीडियो में आपके वो सारे क्वेश्चन का मैं आंसर भी देने का ट्राई करूँगी। आज मैं आई हुई हूँ VGP Marine Kingdom में, एंड यहाँ पे मैं अभी अंदर आ चुकी हूँ। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर होने की वजह से, उसके वजह से मुझे इस वीडियो में वॉइस ओवर करना पड़ रहा है अभी। तो ठीक है, मेरे साथ साथ आप भी इस ब्यूटीफुल सी प्लेस का व्यू लेते चलिए। एक्चुअली मैं खुद भी इस प्लेस में पहली बार ही आ रही हूँ। इस प्लेस के बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी, सो प्लीज़ स्टे ट्यून टिल एंड ऑफ दिस वीडियो। तो चलिए अब आते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरे से अक्सर पूछा जाता है वो है मदर टंग। तो मेरा मदर टंग है मराठी। येस, माझे आईवडील मराठी आहेत आणि ते सेटल झालेले आहे रायपूरमध्ये, त्यामुळे माझं हिंदी आणि मराठी बोथ लँग्वेजेस आर स्ट्रॉंग। पण मराठीमध्ये माझं हिंदी ॲक्सेंट आहे, दॅट्स इट। त्यानंतर जो सेकंड क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, क्या आप मॅरिड हैं? सो येस, आय एम मॅरिड। नेक्स्ट है कि आप कहाँ रहती हैं? तो करेंटली तो मैं अपने हस्बैंड के साथ में चेन्नई में रहती हूँ, क्योंकि यहाँ हम दोनों का जॉब है, इसीलिए हम अपने नेटिव से मूव करके यहाँ चेन्नई में रह रहे हैं। उसके बाद पूछा जाता है कि आप कहाँ से हैं? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं रायपुर से हूँ, क्योंकि मेरे आई बाबा जो हैं, मेरे मॉम डैड, वो रायपुर में ही रहते हैं, सेटल्ड हैं वहाँ पे। तो मैं रायपुर से बिलोंग करती हूँ, मेरा स्कूलिंग और कॉलेजिंग पूरा रायपुर से ही हुआ हुआ है। अब जो मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन मुझे आता है और मुझे लगता है कि जिसका आंसर देना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि आप अपने ऑडियंस के साथ में इंटरेक्शन क्यों नहीं करती हैं और क्यों नहीं बोलती हैं कि सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए? तो बात ऐसी है कि मुझे समझ में नहीं आता एक्चुअली कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बोलूँ या एंडिंग में बोलूँ, क्योंकि मेरा जो कॉन्टेंट है वो है सिंगिंग, और गाना ख़त्म होने के बाद में मैं स्क्रीन से बाहर आ जाती हूँ। तो मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आता कि मैं कब बोलूँ, बट स्टिल आई विल रेक्टिफाई दिस। और आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आपसे थोड़ा बहुत इंटरेक्शन कर पाऊँ मैं, और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, फर्स्ट इंटरेक्शन काइंड ऑफ वीडियो है। सो मैं इसमें प्रो तो हूँ नहीं, मैंने जस्ट अटेम्प्ट किया हुआ है, एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड। कुछ मैंने मिस किया होगा पार्ट, तो उसके लिए रियली सॉरी। तो गाइज़, मैं आपको लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू कि आपने मुझे सपोर्ट किया, मुझे सब्सक्राइब किया, एंड अब अपन 2.5+ की फैमिली हो चुके हैं, एंड ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हो सकता है कि ये जो नंबर है वो किसी के लिए बहुत छोटा हो एंड एट द सेम टाइम किसी के लिए बहुत बड़ा हो, बट एक्चुअली मैं समझती हूँ कि यूट्यूब पे 100 सब्सक्राइबर भी अर्न करना एक बहुत बड़ी बात है और बहुत मेहनत लगती है। एंड मैं एक चीज़ ये भी देखती हूँ कि मेरी जो मैक्सिमम ऑडियंस है वो है महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र से मुझे भरपूर सपोर्ट मिल रहा है, एंड त्यासाठी मनापासनं तुमचं खूप खूप धन्यवाद। मी प्रयत्न करत राहते की मी वेगळ्या वेगळ्या टाईपचे आणि वेगळ्या वेगळ्या भाषांचे गाणे प्रस्तुत करू शकू। ॲक्सेंट का मेरा थोडा ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसके लिए मुझे प्लीज आप माफ कर दीजिएगा। अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बता सकते हैं आप, अगर मैंने कुछ मिस किया हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल सपोर्ट, जो भी आपने अभी तक के मुझे शो किया है। उम्मीद है कि मुझे आप आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस, बहुत सारे अच्छे अच्छे सॉन्ग्स आने वाले हैं, लाइंड अप हैं, और मैं कोशिश करते रहूँगी कि और भी अच्छे अच्छे सॉन्ग्स मैं आप सब लोगों के सामने पेश कर सकूँ। और इवन आपको जो भी सॉन्ग मुझसे सुनने की इच्छा होगी, आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं ज़रूर से वो सॉन्ग प्रिपेयर करके वो गाने की कोशिश करूँगी। एंड अगेन थैंक यू सो मच गाइज, लिटरली थैंक यू सो मच। ये वर्ड बहुत छोटा है आई नो, बट आई रियली मीन इट।
और अब बात करते हैं इस वीजीपी मैराइन किंगडम के बारे में। तो ये जो वीजीपी मैराइन किंगडम है, ये इंडिया का सबसे पहला वॉक थ्रू एक्वेरियम है, जो कि चेन्नई में है। और इंडिया में ऐसा और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। लोग यूजुअली बड़े बड़े एक्वेरियम्स, लाइक ओवरहेड एक्वेरियम है यहाँ पे अंदर में, और लाइक डीप ओशियन एंड ये सारे अलग अलग ऐसे सेक्शंस बनाए हुए हैं जहाँ पे एक्चुअली आपको ओशियन का पूरा एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। एंड ऐसा कोई भी चीज़ अभी तक के इंडिया में तो फ़िलहाल एग्जिस्ट नहीं करता है चेन्नई के अलावा। आप ओशन जैसा फील कर पाएंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी एक्वेटिक स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी, लाइक छोटी से छोटी मछली से लेके बड़ी से बड़ी शार्क्स तक के यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आपको ये बहुत ही अच्छी लगेगी प्लेस। अगर आप चेन्नई में ऑलरेडी रहते हैं या यहाँ पे कभी घूमने आएंगे तो ये प्लेस ज़रूर से विज़िट करिएगा। सो या दैट्स दैट अबाउट द वीडियो एंड थैंक यू सो मच अगेन फॉर योर ऑल सपोर्ट। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख लिए हैं तो मुझे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टे ट्यून्ड, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाइंड अप हैं, आने वाले हैं काफ़ी जल्दी ही। एंड अगर आपको ऐसे इंटरैक्टिव वीडियोज़ या व्लॉगिंग पसंद हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि एक या दो हफ्ते में एक ना एक व्लॉग तो डाल ही दूँ। उसी बहाने आप लोगों से थोड़ा सा चैटिंग हो जाएगा और आपके क्वेश्चंस को मैं आंसर भी कर पाऊँगी। सो या दैट्स इट। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर। स्टे सेफ। स्टे हैप्पी। Oh, oh.